खरगोन जिले के बड़वा नगर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में फर्नीचर चोरी होने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्कूल प्राचार्य ने बीईओ को पत्र लिखा है, लेकिन 3 माह के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से मामला गंभीर लग रहा है। करीब 3 माह पूर्व एक निजी स्कूल के संचालक शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय से 15 जोड़ फर्नीचर लेकर अपनी संस्था में लेकर गए थे। इस मामले में स्कूल प्राचार्य ने बीएमओ सुदामा सोलंकी को पत्र भी लिखा है। बीईओ ने मामले की जांच के लिए एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे को भेजकर मामले से अवगत कराया है, लेकिन इस मामले में 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक निजी स्कूल संचालक पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। खरगोन जिले के बड़वा स्थित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय से 15 जोड़ फर्नीचर बड़वा के जाट मोहल्ला स्थित परम पब्लिक स्कूल के संचालक लेकर गए थे, लेकिन अब तक मामले में शासकीय विद्यालय प्राचार्य सुधीर राठौर ने जानकारी नहीं दी। उन्होंने नगर के 3 स्कूलों से बोर्ड परीक्षा के दौरान फर्नीचर लाने की बात कही थी, जबकि उनका कहना है कि हम जिन 3 स्कूलों से लाए थे वह हमारे द्वारा वापस कर दिया गया है, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में परम पब्लिक स्कूल के संचालक द्वारा 15 जोड़ फर्नीचर अपनी संस्था लेकर गए। आपको बता दें कि जब इस मामले में परम पब्लिक स्कूल संचालक सतीश पांडे ने बताया कि मुझे बोर्ड परीक्षा के दौरान तत्कालीन संस्था प्रभारी ने अपनी संस्था से फर्नीचर लाने के लिए पत्र लिखा था, जिसके आधार पर मेरे द्वारा परीक्षा समाप्त होने के बाद फर्नीचर पुनः मेरी संस्था लेकर आ गया हूँ। सर, मैं परीक्षा के बाद में 16 तारीख को जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई तो 15 सेट फर्नीचर किसी संस्था के द्वारा ले जाया गया ऐसा बताया गया, और वहाँ पे परम पब्लिक स्कूल का नाम आया, ये लेके गए। आपने क्या कार्रवाई की इसमें? मैंने इसमें पहले बीओ साहब को अवगत करा दिया था, और जितने कर्मचारी यहाँ पे थे उस वक्त जो इसको मैं प्रभारी बना के गया था, उन लोगों से मैंने पूछा कि भैया फर्नीचर कहाँ से आया था। ये फर्नीचर सर अब यहाँ आया ही नहीं था कहीं से, 3 दूसरी शालाओं से आया था, उनको फर्नीचर मेरे द्वारा पहुँचा दिया गया। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे भी प्रभारी प्राचार्य हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।